इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि यानी सोच। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज मैं रेडियो पर पढ़ा रहा हूँ। अंतर्दृष्टि को उर्दू में सूझ कहते हैं, ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है सूझ। शुद्ध हिंदी देख सकते हैं कितना परमाणु बम की तरह नाम है। जिन्होंने इस थ्योरी को दिया इनसाइड थ्योरी, गेस्टाल्ट की बात नहीं हो रही है, इनसाइड थ्योरी को जिन्होंने दिया उनका पूरा नाम है उल्फ गैंग कोहलर। इस थ्योरी के में देने वाले गेस्टाल्टियम की संख्या 4 है टोटल, जो कि जर्मन के थे। पहला नाम वर्दिमर का है, दूसरा कोहलर का, तीसरा कोफ का और चौथा लेविन। लेविन चूंकि इनके डिपार्टमेंट के नहीं थे, ये बाद में आके अमेरिकन है लेविन, ये बाद में इनके थ्योरी के आके साथ ऐड हो गए, इसलिए लेविन का नाम बाद में इसी थ्योरी के साथ जोड़ दिया गया और उनके रिसर्च के साथ। इन चारों को गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गेस्टाल्ट वर्ड दुनिया को दिया। गेस्टाल्ट का मतलब क्या, अंग्रेजी के हिसाब से कॉन्फिगुरेशन कहते हैं और हिंदी में कल क्या नाम बताए, संपूर्णाकार। गेस्टाल्ट वर्ड कहाँ का है, जर्मनी का। मतलब ये मैक्सिमम थ्योरिस्ट जो है ये कहाँ के होंगे, जर्मनी के होंगे। वर्थीमर ने गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अलावा उन्होंने कोई बहुत बड़ा नाम नहीं किया था। लेकिन इस थ्योरी में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा नाम कमाया तो उसका नाम क्या था, कोहलर। क्योंकि कोहलर ने ही अपनी इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की वजह से पूरे विश्व विख्यात हो गए। है क्या, जरा से इसको समझते हैं। अधिगम के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत में देखा जाता है कि इन्होंने परीक्षण एक चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सलमान खान। सलमान खान मतलब वही है सुल्तान नाम का, हालांकि देखने में उसी की जैसा लगता है, कोई कम नहीं है। तो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर उन्होंने अपना परीक्षण किया। चिंपैंजी को उन्होंने एक कमरे में बंद किया, भूखा भी था, और कमरे के ऊपर सीलिंग से, सीलिंग मतलब अंदर वाली छत को बोलते हैं, उस सीलिंग से केला का एक पूरा थंब लटका दिया, या पूरा क्या बोलते हैं उसको, घोद बोलते हैं उसको लटका दिया। चिंपैंजी और इसका डिस्टेंस बहुत उछल कूद करने के बाद भी लगभग 1.5 फीट कम पड़ जा रहा था, 1 फीट या 1.5 फीट ये उछल के केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, सीलिंग ज्यादा ऊंची थी। जब इसने अनेक उल्टे सीधे प्रयास कर लिए हर कोने से उस चीज को प्राप्त करने की और नहीं हो पाया, तो क्या किया, एक जगह एक कोने में बैठ गया कमरे में, और फिर उसके बाद चारों तरफ वस्तुओं को देखने लगा, ये सोचने लगा कि अब कैसे प्राप्त करें। अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे हुए बॉक्स पर पड़ा। जब बॉक्स पर नजर पड़ा तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया, एक सूझ आया कि क्यों ना इस बक्से को इस केले के नीचे यहाँ रख के वापस इस केले पर चढ़ के और केले को प्राप्त करे। उसने ऐसा ही किया, जो काम सोचा, बक्सा उठा के यहाँ लाया, बक्से के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद जो डिस्टेंस 1 फीट रह जा रहा था वो मेंटेन हो गया, वो केले का थंब प्राप्त करने में सफल हो गया। इस तरह की वस्तुओं को देख के, मतलब अवेलेबल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना ही सूझ का सिद्धांत कहलाता है। डिमांड नहीं करना, जो अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेना, मतलब कहा जाता है कि उसके पास अच्छा आइडिया है, तुरंत किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है ना। ये परीक्षण एक हुआ, ऐसे उन्होंने 4 परीक्षण किए थे, ये सिर्फ पहला परीक्षण है। दूसरे परीक्षण में उन्होंने क्या किया कि ये बॉक्स बड़ा साइज का ना रख के 2 छोटे-छोटे बॉक्स एक यहाँ और एक यहाँ कोने में डाल दिए। बॉक्स की ऊंचाई बहुत बड़ी नहीं थी, अब उसी को 2 भाग में टुकड़ों में करके 2 बॉक्स उन्होंने अंदर रखा। दूसरे दिन चिंपैंजी ने केला प्राप्त करने के लिए इस बक्से का तो यहाँ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर नहीं पहुंच पा रहा था, तो फिर उसको इधर उधर देखने के बाद कोने में दूसरा बक्सा जब इस तरफ दिखाई दिया तो दोनों बक्से को एक पर एक रख के और उसके बाद केले को प्राप्त कर लिया। दूसरी बार की थ्योरी में डबल बक्सा, पहली बार में एक बक्सा और बड़ा साइज, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी थ्योरी में क्या किया, जब यह परीक्षण तीसरी बार किया गया तो उन्होंने उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कमरे में एक खिड़की था और खिड़की से कुछ दूरी पर, जहां तक इसकी हाथ पहुंच के बाहर से हो, कितना भी कोशिश करे वो केले को प्राप्त न कर सके, उतने दूरी पर केला रख दिया गया वापस। और कमरे में इस बार बक्से की जगह छड़ी रखा, वो भी छाता वाला, जिसमें ऐसे आगे मुड़ा होता है छाता वाली छड़ी में,
वो कहीं कोने में घर में फेंक दिया गया था ऐसे ही मकसद से नहीं। अब जब ये केला प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर इधर उधर काफी अपनी नजर दौड़ाई, वस्तुओं को देखा, तो उसे वो छड़ी दिखाई दी। छड़ी दिखाई दी तो उसने सोचा कि क्यों ना छड़ी के माध्यम से केले को खींच के और तब अपना भूख और प्यास खत्म किया जाए। सोचा उसने वही काम किया कि उस छड़ी का इस्तेमाल करके और केले को खींच कर अपने पास करके अपनी भूख शांत कर ली। यह तीसरी परीक्षण हुई। चौथी परीक्षण में क्या किया, छड़ी एक नहीं रखा, दो रखा और उसका छोटा साइज कर दिया, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा दो टुकड़ों में कर दिया और कुछ बांधने करने के लिए इधर उधर रस्सी या कुछ भी फेंक दिया ताकि जब वो उसका काम न हो तो वो फिर रिसोर्स को देखे हमारे पास क्या है और उससे मदद लेकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। उसने भी वही किया। चौथी बार में दो जो छड़ी रखे गए थे वो दो छड़ी को लाया। अब ऐसे पकड़ के जोड़ रहा है तो उसको नहीं हो रहा है, वो ऐसे एक छोड़ रहा है तो दूसरा गिरा, ये गिरा तो आसपास देखा, छड़ी को एक एक पर एक रख के एक तार रखा हुआ था छोटा सा उसे लेके बांध दिया। चिंपैंजी के पास इंसान के बाद दिमाग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम परीक्षण उन पे किया जाता है जो इंसानों जैसी अक्ल रखते हैं, इंटेलिजेंस रखते हैं, उन्हीं जानवरों पर परीक्षण होता है। परीक्षण के लिए गिलहरी सबसे इम्पोर्टेंट, खरगोश इम्पोर्टेंट, चूहा इम्पोर्टेंट, चिंपैंजी इम्पोर्टेंट, बिल्ली भी है, क्योंकि इनमें कुछ इंसानों जैसी फितरत सोचने की होती है। कुत्ते भी एक तरह का रिलेशन जैसा बना होता है, तो उन पे परीक्षण किया जाता है जो इंसानों जैसे थोड़े बहुत चीजों को समझने की कैपेसिटी हो या वैसा इंटेलिजेंस वो थोड़ा बहुत रखते हैं, पूरी तरह नहीं। तो चार परीक्षण में इन्होंने यह साबित कर दिया कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं समस्या का समाधान अगर सही ढंग से ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें आसपास के रिसोर्स को देख के और फिर ढूंढना चाहिए। इस तरह से इसमें याद रखने लायक बात हुई कि परीक्षण कुल कितने हुए, कुल परीक्षण चार। चिंपैंजी का नाम सुल्तान, ये याद रखने की बात है। पहली बार जब परीक्षण किया गया तो बॉक्स की संख्या एक, दूसरी बार में बॉक्स की संख्या दो, तीसरी बार में क्या रखा गया और चौथी बार में डबल छड़ी। खिड़की के पास ही वो छड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, तो पहली बार में एक छड़ी, दूसरी बार में डबल छड़ी, ऐसे था। तो इस तरह से उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। इससे सवाल ये उठता है कि कुछ व्यक्ति धरती पर ऐसे भी हैं जो हर थ्योरी में घुसकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकालते रहते हैं, तो वह कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने अधिगम के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में उन्होंने कुछ गड़बड़ी पाई और उसकी आलोचना किया। डंकन, हाँ, उस व्यक्ति का नाम था डंकन। ये सब नेट के एग्जाम में आता है, लोकल एग्जाम में नहीं आता। इसको साथ साथ लिख लीजिए कि डंकन ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की आलोचना की। बता रहे हैं कौन कौन सी कमी बताई उन्होंने। अक्सर सुनते होंगे कि आदमी एक बात आज सुना और उसे हंसी दो दिन बाद आती है उस बात को लेकर, क्योंकि समझ में ही नहीं आया रहता है। उसको आइडिया किसी काम के लिए तुरंत क्लिक कर भी सकता है और नहीं भी। तो इन्होंने यही आलोचना बताया कि किस बच्चे को कब आइडिया आएगा, इसका कोई टाइम फिक्स है आइडिया कब आएगा। कई बार तो आदमी काम कर लेता है तो अगले दिन आइडिया आता है, अगर वैसे किए रहते तो जल्दी हो जाता मेरा। तो आइडिया एग्जैक्ट उसी टाइम में आए ये जरूरी है? दूसरी, छोटे बच्चे कभी आइडिया लगाते हैं? मतलब ये थ्योरी छोटे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, छोटे बच्चे इस आइडिया को लगा के नहीं सीख पाए, तो बड़े लोग आइडिया लगाते हैं। तीसरा, चिंपैंजी पर परीक्षण करता है और आदमी पर लागू करता है, ये एक तरह की कमी हो गई। तो कमी कितने हुए, तीन। पहली कमी, आइडिया कब आएगी, नो टाइम फिक्सेशन, पहली दिक्कत ये थी। दूसरे में उन्होंने क्या बताया, छोटे बच्चों के लिए ये लागू नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे आइडिया से काम नहीं करते, वो जो कर रहे होगा तो वो नहीं तो छोड़ के चलेगा, उन्हें आइडिया जैसी कोई चीज उस वक्त क्लिक नहीं करती बहुत छोटे बच्चों में, तो प्राइमरी लेवल के लिए ये मेथड लाभदायक नहीं है। और तीसरा, परीक्षण जानवर पर और लागू इंसानों पर।